अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िशान और आप स्कर्दू टीवी देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं एलिमेंट्री कॉलेज स्कर्दू में और यहाँ पर महकमे तालीम की तरफ से एक प्रोग्राम होने जा रहा है। इससे पहले हम आपको बताएं कि बल्तिस्तान रीजन में सरकारी स्कूलों में तकरीबन 80,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और गुज़िश्ता कई सालों से इनको किताबें मुफ्त दी जा रही थी, लेकिन हर दफ़ा ये इश्यूज़ आते रहे कि बरवक्त किताबें नहीं पहुँचती थी, जिसकी वजह से बच्चे और उनके वालदेन हमेशा परेशानी का शिकार रहते थे। इस दफ़ा महकमे तालीम के ज़िम्मेदारान, डायरेक्टर एजुकेशन बल्तिस्तान और दीगर उनके ज़िम्मेदारान ने कोशिश की और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रकों में किताबें पहुँच गई हैं और वो किताबें उतारी जा रही हैं। इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए हम महकमे तालीम के ज़िम्मेदारान से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िशान साहब। आज ये डिस्ट्रिक्टों में किताबों की तकसीम के सिलसिले में हमने आज आप सबको तकलीफ दी है, क्योंकि पूरा बल्तिस्तान के अंदर किताबों की लेट पहुंचने की वजह से थोड़ा बहुत तलबा के अंदर भी, वालिदैन में भी, कम्युनिटी में भी तशवीश की एक लहर थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि सूबाई हुकूमत की जल्दी इकदामात की वजह से अब किताबें जो है ना प्राइमरी लेवल का तकरीबन हमारे पास 90-95% किताबें यहाँ पहुँच चुकी हैं। एक दो ट्रक रास्ते में हैं और इंशाल्लाह विद इन 1 or 2 days मिडिल लेवल की और हाई लेवल की किताबें भी हमारे पास स्टॉक में पहुंच जाएगा। तो हमने मैकेनिज्म इस तरह किया है कि आज जो है हमारा किताबें अनलोड हो रही हैं और साथ साथ मैंने डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं उनको भी यहाँ बुलाया हुआ है। तो आज ही जो है डिस्ट्रिक्टों में हमारी किताबों का स्टॉक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पहुँच जाएंगे। कल इंशाल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे DDOs जो है वो आकर अपने अपने सर्कल के फीडिंग यूनिट्स के स्कूलों की किताबें वहाँ से कलेक्ट करेगा। तो इंशाल्लाह परसों सैटरडे को हमारे बच्चों के हाथों में किताबें होंगी 100%। और मैंने अपने साथियों से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि हेडक्वार्टर के बजाय ज़्यादातर पहले पैराफ्रीज के अंदर जो रिमोट एरियाज़ के स्कूल्स हैं उनको पहले बुलाकर उन तक किताबें पहुँचा दें, ताकि वो हमेशा महरूमी का शिकार रहता है। तो इंशाल्लाह एक अच्छे मैकेनिज़म के साथ विद इन 2 or 3 days जो है ना ये किताबें बच्चों तक पहुंच जाएंगे। वैसे भी मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं अब तक तकरीबन स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट के कोई 70-80 स्कूलों का विज़िट कर चुका है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने एक ऐसा मैकेनिज़म किया था ओल्ड बुक्स के बैंक के हवाले से, तो तमाम बच्चों से हमने पुरानी किताबें एग्ज़ाम के साथ साथ कलेक्ट किया था। और अभी जब है हमारा एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद वही किताबें हमने अगले फर्दर बच्चों तक डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो एजुकेशन से कोई महरूम नहीं है, सब बच्चों के हाथ में किताबें मौजूद हैं। अलबत्त उसमें कुछ चैप्टर्स फटे हुए हैं, किताबें पुरानी हो गई हैं, बोसदा हो गया है, बच्चे उसको यूज़ कर चुके हैं, ये एक अलग चैप्टर है। बाकी जो है ना एजुकेशन से कोई खाली नहीं है, हर बच्चे के हाथ में इस वक्त भी किताबें मौजूद हैं, हर जगह एजुकेशन बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो इंशाल्लाह आप मीडिया पर्सन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने ज़हमत देकर यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम को बाकी कम्युनिटी तक, लोगों तक, तलबा तक पहुंचाने में, इंतज़ामिया तक पहुंचाने में आप लोगों ने हमारी मदद की। तो उम्मीद है कि अगर आप लोगों की हमारे साथ ताउन रहे तो ये सिलसिला जो है ना बेहतर अंदाज में डिस्ट्रीब्यूशन का जो अमल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर हर बच्चे के हाथ में किताब हो पहुँच जाएगा। सर, मैं आज हमारे डायरेक्टरेट एजुकेशन का और हमारे सेक्रेटरी साहब का और इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने CS साहब ज़ाती दिलचस्पी ले के किताबें अब पहुँच चुकी हैं। डिले इसलिए नहीं है कि ये इसके कोई ताखिर हो गई थी लेने में लाने में, ये जो छापने का एक ख़ास टाइम होता है, पंजाब से हम लेते रहे, पंजाब में अब छपाई शुरू हो गई तो अब आ गई, ये इसमें डिले की कोई और वजह नहीं है। फिर तो आप बता सकते हैं जी कितनी किताबें हैं ये तकरीबन कितने आ चुके हैं? 1.5 लाख आ चुकी हैं और अभी कितने और बाकी हैं? अभी तकरीबन इतना ही, लेकिन 3.5 लाख हमारी डिमांड है, ये अभी आ जाएंगे। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त किताबें तकसीम किया जा रहा है उस सिलसिले में जो किताबें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से आना था वो तकरीबन सारे यहाँ पहुँच चुकी हैं और हमारा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को और 9th और 8th क्लास के बच्चों को किताबें जो हैं वो भी 3 डेज में पूरे बल्तिस्तान रीजन में तकसीम हो जाएगा। इसमें क्लास 6, 7, 8 और के जो किताबें हैं उसमें पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिंगल करिकुलम के हिसाब से जो किताबें मरहलावार छापनी थी
तो 6, 7, 8 का इस साल जो नई किताबें आने हैं वो अभी तक छपा नहीं है, इस वजह से वो थोड़ा से लेट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हल निकाला हुआ है कि जो पिछले साल की किताबें हैं वो सारा बुक बैंक में जमा करके रखा हुआ था और बच्चों को वो किताबें दे के बच्चे बाकायदगी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस उन किताबों के लेट होने की वजह से किसी किस्म का जो है वो एजुकेशन हमारा मुतासर नहीं होगा और स्मूथ तरीके से चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया स्कर्दू टीवी की टीम का। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज किताबें नई किताबें पहुंच गई हैं और पूरे बल्तिस्तान में ये तकसीम हो रही है किताबें, प्राइमरी की सतह पे तमाम जमातों के लिए, तमाम क्लासेस के लिए हमारे पास किताबें अवेलेबल हैं और ये अगला इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में ये किताबें बच्चों के हाथ में होगी। और इससे पहले मैं एक बात ये भी बताऊं कि डायरेक्टर साहब ने इस तरह से मैकेनिज्म तरतीब दिया था कि हमारे आज भी इन किताबों से पहले भी हर बच्चे के हाथ में किताब मौजूद हैं। हमने ओल्ड बुक बैंक का तस्वीर पेश किया था जिसके मुताबिक जो है वो पुरानी किताबें लेके नए जो प्रोमोटिव बच्चे हैं उनको हम दे देते थे, तो इस तरह से हर बच्चे के हाथ में ऑलरेडी किताब है और ये नई किताबें आ गई हैं, तो इंशाल्लाह अगले 1 से 2 दिन में ये किताबें बच्चों के हाथों में होगी। डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू में इस वक्त टोटल इनरोलमेंट जो है वो 41,498 स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल्ड हैं नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक। इसके लिए तकरीबन हमने 46,840 किताबें मंगवाए हैं, इंशाल्लाह सारी किताबें पहुँच गई हैं। आज शाम तक हम इधर बैठेंगे, तमाम डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू के हेड टीचर्स को हमने यहाँ बुलाया हुआ है, DDOs को, और वो यहाँ से जो है वो किताबें ले जाएंगे। इंशाल्लाह हम पूरा उम्मीद करते हैं कि सुबह तमाम बच्चों के हाथ में किताबें होंगे। 1.5 साल बाद यहाँ किताबें आया है, वो भी हमारे एहतजाज 3-4 दफ़े एहतजाज करने के बाद किताबें आया है। हम गवर्नमेंट से ये डिमांड है हमारी, अगर वक्त पर किताबें नहीं पहुंचा सकते हैं तो ये तमाम बच्चों को वजीफे की शक्ल में पैसे दें या हर स्कूल में बुक बैंक बनाएं ताकि किताबों का सिलसिला वहाँ चलता रहे। हर स्कूल में लाइब्रेरी की मतलब गुंजाइश मौजूद है, तमाम स्कूलों में लाइब्रेरीज मौजूद है, उस लाइब्रेरीज को बुक बैंक में तब्दील करें और किताबें वहाँ स्टोर करें ताकि नया आने वाले बच्चों को किताबों के लिए मुश्किलात नहीं हों और यहाँ पंजाब से आने का इंतज़ार नहीं करें बल्कि यहाँ हमारे पास मौजूद हो तो यहाँ दुश्वारियाँ नहीं होगी। अब ये 1.5 साल बाद बच्चों को आधा साल गुजरने के बाद अभी किताबें आई हैं, तो हम आइंदा भी इनसे यही हमारी मांग होगी कि किताबों के हवाले से तालीम पे कोई किसी भी किस्म का हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तालीम के साथ खिलवाड़ हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी किताबें आई हैं तो हम महकमे एजुकेशन का शुक्रगुजार है और उम्मीद करेंगे आइंदा भी वो किताबें बर वक्त पहुँचाएँगे। यहाँ गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि पंजाब से प्रिंट करने के बजाय यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में प्रिंटिंग मशीनें लगी है, अखबार यहाँ प्रिंट होते हैं तो किताबें भी यहाँ प्रिंट होनी चाहिए ताकि इतनी दूर से जो आने का जो किराया है वो बच जाए, यहाँ से वहाँ जाने की जो ख्वारी है वो भी बच जाए। गिलगित में या बल्तिस्तान में किसी भी प्रिंटिंग प्रेस को दे दें, यहाँ छप जाएगा, बर वक्त यहाँ मिल सकते हैं।